News 18, India. हल्द्वानी हिंसा में कितने रोहिंग्या थे? हल्द्वानी दंगे में कितने बांग्लादेशी थे? बनभूलपुरा दंगा में कितने सियासी चेहरे थे? पजामाधारी उपद्रवियों की लिस्ट रिलीज। झुग्गियों में दंगाइयों की भीड़ किसने जुटाई? हाजी अब्दुल मलिक के अड्डे तक पहुंची पुलिस। रेडार पर देवभूमि के भड़काऊ घुसपैठिए। ये आग अचानक नहीं लगी, ये दंगा एकाएक नहीं भड़का, ये हिंसा अकस्मात नहीं हुए, ये आगजनी, ये पथराव, ये तमंचेबाजी, ये पेट्रोल पंप फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद दंगे में इस्तेमाल हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा की तहें जैसे जैसे खुल रही हैं, हैरान करने वाली बातें उजागर हो रही हैं। हल्द्वानी में प्रायोजित दंगा बहुत बड़ी साजिश का परिणाम है। इस साजिश में देशी और विदेशी भड़काऊ गैंग की पलटन लगी, जिसने हल्द्वानी को दंगे की भट्टी में झोंकने का काम किया है। पुलिस की तफ्तीश में ये शीशे की तरह साफ होता जा रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में मजहबी फसाद फैलाने की संगीन साजिश कई साल से रची जा रही थी। दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक जिस दम पर पुलिस और प्रशासन पर धौंस जमा रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। पहले देखिए, दंगे से पहले हाजी अब्दुल मलिक कैसी हेकड़ी दिखा रहा था। सरकारी जमीन को कब्जा कर बैठा दंगा मास्टर मलिक बागीचा को अपने दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन बता रहा था। अरे हमारे दादा परदादा के नाम है। अरे मैं एफआईआर करूंगा, जेल डालूंगा। जेल आज ही डालूंगा। आज डाल लो, आज 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 अभी डाल लिया। आप अभी चलिए थाने में जाइए भाई, इनको काम में बाधा राजकीय कार्य में धारण कर डाल लिया। आइए आइए साहब, मारे जाते चलिए। आइए राजकीय कार्य में धारण कर रहे हैं। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने का नहीं है, कागज नहीं है। पहले पहले तो भाई नहीं, अब्दुल मलिक को न जेल जाने का डर था, न ही कानून की कोई परवाह। नगर निगम अधिकारियों से भिड़ने के दौरान अब्दुल जाली कागजों का पुलिंदा भी लहरा रहा था। आखिर अब्दुल को ऐसी हिमाकत की हिम्मत कहां से आई? कौन उसके पीछे था? क्या घुसपैठियों का हुजूम जुटाकर अब्दुल मलिक ऐसी धौस जमा रहा था, या फिर कोई सियासी ताकत इस दंगा मास्टर को शह दे रही थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब अब्दुल मलिक और उसके दंगा कंपनी के किरदारों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। लेकिन इस दंगे में जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो ये है कि हिंसा में घुसपैठियों को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक 8 फरवरी के उपद्रव वाले दिन कुछ लोग बनभूलपुरा के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के आसपास झुग्गियों से उपद्रवियों के झुंड दिखाई दिए थे, जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम की बड़ी आबादी अवैध तरीके से रहती है। इस अवैध झुग्गी बस्ती में बड़ी तादाद में अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों के भी बसे होने की आशंका है। झुग्गी बस्ती में 5,000 लोगों के अवैध तरीके से रहने का शक है। हल्द्वानी पुलिस ने कई संदिग्धों के पुराने रिकॉर्ड को ट्रैक किया है। एक एक दंगाई की शिनाख्त इसलिए भी जरूरी है कि 8 फरवरी को जिस अंदाज में हिंसा हुई वो बेहद खौफनाक थी। दंगाइयों ने ना पुलिस को देखा, ना थाने को देखा, ना ही किसी सख्ती को माना। दंगाइयों ने बस एक सिग्नल मिलते ही ऐसा तांडव मचाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने हाथ नहीं करने का काम किया है, कुछ लोगों ने वहां पर कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। भाइयों बहनों,
हमने कहा है जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून करेगा, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई कितने भी बड़े रसूख वाला क्यों ना हो, कितनी भी पहुंच वाला क्यों ना हो। अब केवल राजनीतिक तरीके से काम नहीं चलेगा, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा कानून के हाथ उसको कहीं तक जाकर भी छूने वाले नहीं है, चाहे वो कहीं भी जाए। हिंसा के बीच होड़दंगियों ने पेट्रोल बमों से ऐसी जोरदार बौछार कर दी कि पुलिस वालों को जान बचाने की नौबत आ गई थी। जिन लोगों ने दंगे का वो खौफनाक मंजर देखा उनकी रूह कांप गई। न्यूज 18 संवाददाता दीपक बिष्ट ने हिंसाग्रस्त वन भूलपुरा की गलियों में जाकर लोगों से उस रात का पूरा हाल जाना। मलिक बागीचा में क्या क्या हुआ चश्मदीद की जुबानी सुनी। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मैं 4 बजे स्कूल से आई हूँ तो कुछ नहीं था, आराम से मैंने फ्रूट्स भी खरीदे रास्ते में और लग ही नहीं रहा था कैसा माहौल होगा। मुझे तो बाहर के इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त का हेमंत शाह जी का फोन आया कि भाभी वहाँ पर ऐसा हो रहा है, मैं खटीमा से आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था यहाँ पर। जब यहाँ पर थाने में आग लगी तो हम तो घर के अंदर ही था, हमें मालूम ही नहीं, तब हमने बाहर जाके देखा तो वहाँ तो इतना उपद्रव हो रहा था। बनभोलपुरा के किदवाई नगर में लोगों ने ये भी बताया कि पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की भी एक नहीं सुनी गई। स्थानीय लोग इस बात से भी नाखुश दिखे कि अब्दुल मलिक पर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ क्या चाहेंगे? वो तो अब उसके ऊपर जो अब प्रशासन अपनी कार्रवाई अपने करे, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि तो अब्दुल मलिक की जो जमीन थी वो कब्जे वाली जमीन थी, उसको हटाना चाहिए था, वो हटा रही थी प्रशासन, हाँ, उसी को तो हटा रहा है। हाँ उसको तो हटाना चाहिए था, जैसे आपको कुछ गैर कानूनी काम है तो उसको तो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर, लेकिन उसके आदमी जो हुआ ये गलत हुआ है, ये अब इसके चक्कर में गरीब आदमी पिस रहा है। अब जब प्रशासन ने कहा कि उसका 14 तारीख को तारीख पड़ी हुई है तो प्रशासन ने एकदम वहाँ जाकर तुरंत कार्रवाई कर दी। थोड़ा सा उसको भी देखना चाहिए था, जब आपस में बातचीत चल रही थी कि माहौल ना बिगड़े शहर का, उसको देखते हुए अब उन्होंने कहा कि नहीं तुरंत जाके कार्रवाई कर दी। आप आनंद फानंद में आदमी भाग रहा, किसी के पास खाने की चीज़ें हैं, किसी के पास नहीं है, अब रोज अब सुबह निकलना रोड पर जाते हैं तो पता पुलिस वाले परेशान करते हैं। अब्दुल मलिक ने शातिराना अंदाज में सरकारी जमीन को कब्जाया, 2014 से खाली पड़ी नगर निगम की जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेचा, इलाके में झुग्गी झोपड़ी की बस्ती बनाकर वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा बनाया। हजारों अवैध घुसपैठियों के दम पर अब्दुल मलिक इलाके में दादागिरी जमाता था। अवैध मदरसा और मस्जिद का इस्तेमाल हाजी अब्दुल भीड़ जुटाने और भड़काने के लिए कर रहा था। नगर निगम की टीम ने जब भी अब्दुल को जमीन खाली करने का नोटिस थमाया उसने हजारों लोगों की ताकत का दम भरा। अब्दुल किस तरह नगर निगम अधिकारियों को अकड़ दिखाता था उसका नमूना एक बार फिर आप देखिए। जेल डालूंगा, जेल डालूंगा, आज डालो अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने ले जाइए भाई इनको, काम में बाधा राजकीय कार्य में बाधा सुनकर डालिए, चलिए आइए आइए साहब, मार देते आइए आइए, राजकीय कार्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने, जमीन का ये नहीं है कागज, ये कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, नहीं नहीं कागज हमारे पास, दादा आप यहाँ से जाइए, पहले पहले तो भाई नहीं पुलिस अब हाजी अब्दुल मलिक को उसके पुरखों की याद दिलाने के मिशन में लगी है। अब्दुल मलिक का साथ देने के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी मतीन सिद्दीकी के छोटे भाई जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी वीडियो के आधार पर की गई है। वीडियो में जावेद पुलिस को धमकाने और दंगा भड़काने की कोशिश करता देखा गया है। जावेद सिद्दीकी के अलावा गिरफ्तार लोगों में पूर्व पार्षद महबूब आलम है जो बनभूलपुरा के लाइन नंबर 16 का रहने वाला है। उसके साथ लाइन नंबर 14 इंदिरा नगर का रहने वाला जीशान परवेज और खनन कारोबारी अरशद अयूब भी गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे के आरोप में लाइन नंबर 3 में रहने वाला असलम चौधरी भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस के रडार पर नहीं आया है, जबकि हाजी अब्दुल मलिक के पीछे उत्तराखंड पुलिस की 10 टीमें लगी हैं। पुलिस की अब तक की जांच में ये भी आशंका जताई जा रही है कि अब्दुल मलिक हल्द्वानी से भागकर दिल्ली में कहीं छिपा बैठा हो सकता है।
पुलिस की करीब 10 टीम हाजी के साथ फरार हुए उपद्रवियों की तलाश में यूपी के रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। यूपी के साथ दूसरे राज्यों में भी दंगाइयों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और जांच के आधार पर पुलिस जल्द उपद्रवियों को दबोचने में कामयाब भी हो जाएगी। उधर जिन लोगों की जान दंगे में गई उनके परिजन दंगाइयों को सख्त से सख्त सजा देने की गुहार लगा रहे हैं। 8 फरवरी को दंगे में जान गंवाने वाले प्रकाश सिंह की कहानी बेहद दर्दनाक है। प्रकाश 7 फरवरी को नोएडा से हल्द्वानी गए थे। रोजगार की तलाश में हल्द्वानी गए प्रकाश सिंह को दंगे में 3 गोलियां लगी। प्रकाश सिंह के नाते रिश्तेदारों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ क्या। वहाँ से हमको सूचना मिला है नोएडा में, तब यहाँ से हम आए हैं। कलेक्टर ने हुआ क्या है, किस तरह मौत हुई है? अभी ये तो उसमें पता चलेगा, पुलिस में बताएगी। कुछ कैसे शॉट लगे? गन शॉट लगी है। कितनी चोट है? 3 है। 3 यहाँ आने के बाद हमें जो मृतक है उसे दिखाया गया, हम लोग को अपना पहचान में है कि हाँ ये बोले कि मेरे साले हैं। तो मैंने देखा तो कंफर्म हुआ। उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है चल रही है, अभी पोस्टमार्टम हो रही है, उनकी गन से 3 शॉट हुई है। पुलिस बता रहा है कि इनकी लाश जो बरामद हुई थी हमें स्टेशन पे हुई थी पटरी के पास, लेकिन अभी सही हम लोग को रिपोर्ट मिला नहीं है कि लाश कहाँ से बरामद हुई है। दंगे के 3 दिन गुजरने के बाद हल्द्वानी में हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन गलियां सूनी हैं, लोगों के चेहरे उदास हैं, भय और आशंका ने बनभूलपुरा में डेरा डाल रखा है। गनीमत की बात यह है कि अब इंटरनेट सेवा बनभूलपुरा को छोड़कर सब जगह बहाल कर दी गई है। इस बीच जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत इस्लाम के प्रतिनिधियों ने हल्द्वानी के SDM से मुलाकात कर पूरे मामले की ज्यादा जानकारी जुटाई है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य ने केंद्र से 4 और अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की है। हल्द्वानी में हिंसा के बाद PSC बल तैनात किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय बलों की भी 3 कंपनी हल्द्वानी के हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात की गई थी, लेकिन अब फिर से 4 कंपनी की मांग की गई है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को उपद्रव के बाद लगभग 10,000 के आसपास पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को हल्द्वानी में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन आज अचानक से 4 कंपनियां और यहां पर हल्द्वानी में पहुंची। आप देख सकते हैं SSB की ये एक कंपनी यहां पर पहुंची है, इसके अलावा 3 कंपनियों को और यहां पर लाया जाएगा ये कहा जा रहा है, और ये देर रात तक यहां पर पहुंचेंगी। लेकिन अचानक से 4 कंपनियों को यहां मंगाने की वजह क्या है, इसके बारे में कोई अभी तक यहां पर किस तरह का साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से SSB की कंपनी यहां पहुंची है, उसके बाद ये जरूर हो सकता है कि जो लोगों की गिरफ्तारी है उनकी तादाद बढ़ सकती है। पुलिस ने एहतियातन ये वार्निंग भी दे दी है कि किसी भी भड़काऊ पोस्ट, फोटो, वीडियो और कमेंट पर फौरन एक्शन होगा। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे साजिश के राज उगलवाने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब तक दंगे का मास्टरमाइंड हाजी अब्दुल मलिक पुलिस के शिकंजे में नहीं आता, तब तक देवभूमि दंगे की पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा।